इंडियन मीडिया ये कह रहा है इंडिया टुडे कि चाइनाज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मे विजिट इंडिया। अच्छा बड़े साहब इंडिया तशरीफ ला रहे हैं, ये कह रहा है इंडियन मीडिया। अच्छा हिंदू ने भी यही कहा, हिंदू ने खबर लगाई चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मे विजिट इंडिया फॉर ब्रिक्स समिट। ठीक है डॉक्टर साहब, एक क्विक ब्रेक है, वापस इंडिया जी जी बेहतर, आपसे मजीद बात करेंगे, तशरीफ ला रहे हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर साहब। भारत में ओहो पड़ोस, हमारा प्यारा पड़ोस भारत, उधर क्या तमाशा हुआ है कि एक है ना टूटी फूटी तंजीमें, एक दौर में सार्क बनी थी, एक तो सार्क बनी हुई थी, एक ओआईसी बनी हुई है, एक यूनाइटेड नेशंस क्यों है पता नहीं, एक नेटो का सर पैर समझ नहीं आ रहा, अमेरिका चाह रहे नेटो की वजह कौन सी नेटो, क्वाड है, क्वाड का नाम लेते हैं तो बत्ता को क्वा क्वा कर रही है, तो सर पैर ही नहीं है, क्वाड बनी हुई है। अच्छा एक और बनी थी ये 2002 या 2003 में, उसका नाम था ब्रिक, BRIC। अच्छा ब्रिक में जो है वो वो इसलिए बनी थी कि जो ब्राजील है, इंडिया है, रशिया है और चाइना, ब्रिक, वो ब्रिक जो है उसमें यानी तरक्की याफ्ता जो यानी जो तरक्की करती हुई मईशतें हैं, उभरती हुई वो उसका हिस्सा बन गई। बाद में उसमें एस भी लग गया, ब्रिक्स हो गया, तो साउथ अफ्रीका भी आ गया। अब जनाब वो ब्रिक्स जो है वो अचानक इनसे जिंदा हो गई है। अच्छा अब मुझे बताएं कि 2003 और 2021 में क्या फर्क है? फर्क यह है कि चाइना के और इंडिया की लड़ाई हो रही है, और फर्क यह है कि इंडिया जो है वो उभरती हुई मईशत नहीं है, वो उभरी हुई मईशत है चाइना। अब चाइना में और ब्राजील में और साउथ अफ्रीका में क्या कॉमन है, मैं नहीं कुछ कह सकता, ठीक है। अच्छा तो अब वो ब्रिक्स जो है उसका इजलास, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसका इजलास जनाब इस साल हो रहा है, और उसके इजलास वो तो होता रहता है, इजलास होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले साल भी हुआ था वो, उसमें जो एजेंडा क्या है, एजेंडा के ब्रिक्स को बड़ा अच्छा होना चाहिए। अच्छा हाँ ब्रिक्स को बड़ा अच्छा होना चाहिए, इतिहाद क्या है, चाइना ब्राजील कहां से आ गया बीच में, गरीब लोग, अच्छा वो बैठे हुए बेचारे, मतलब मैंने कहा ना साउथ अफ्रीका कोई ताल्लुक ही नहीं, वो दूसरे परे बैठे उनके अल्जेरिया सूडान। मैं एक जुमला बताऊं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन मीडिया ये कह रहा है इंडिया टुडे कि चाइनाज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मे विजिट इंडिया। अच्छा बड़े साहब इंडिया तशरीफ ला रहे हैं, ये कह रहा है इंडियन मीडिया। अच्छा हिंदू ने भी यही कहा, हिंदू ने खबर लगाई चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मे विजिट इंडिया फॉर ब्रिक्स समिट। ठीक है डॉक्टर साहब, एक क्विक ब्रेक है, वापस इंडिया जी जी बेहतर, आपसे मजीद बात करेंगे, तशरीफ ला रहे हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर साहब गुफ्तगू को, नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन जी, डॉक्टर साहब ब्रिक्स पर बात कर रहे थे और आपने कहा कि भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चाइना शायद भारत विजिट करे। देखिए ये जो अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है ना, ये जो ICPR की तरफ से कि सजना नामी दहशतगर्द को मार दिया गया है, गुर बहादुर ग्रुप, अच्छा ये एक्टिव हैं अभी भी, ये TTP जो है ये एक्टिव है, ठीक है, ये TTP हाँ TTP का कई ग्रुप है, और लेकिन इसमें जो जो यानी इसको बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं, कामयाबी क्या, बहरहाल अल्लाह ताला ये पहले हो जाता जन्म रसीद जो भी शख्स है, तो ये कल ही चार खवातीन जो हैं उनको इसने शहीद किया है, और फौरन ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज ही इसको खत्म कर दिया, तो इसका मतलब है कि उनकी एक्टिविटीज भी जारी हैं और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी तरफ से भी, मैंने आपसे कहा ना कि ये वो जो वाक्य हो जाता है उसकी खबर आती है, लेकिन जो खामोशी से इनको लोगों को पकड़ के अंदर जिनकी तबीयत साफ कर दी जाती है तो वो खबर नहीं आती, तो इस खबर की ये इंपॉर्टेंस है कि कल ये इन्होंने वाक्य किया और आज फौरन ही इनके ऊपर जो एक्शन भी हो गया हमारा भी। अच्छा और लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोगों के अंदर देखें मतलब वही बात है, पाकिस्तान उन मुल्कों में से जो फख्र यह कह सकता है कि हमने दहशतगर्दी पे काबू पाया, माशी दहशतगर्दी पे नहीं पा सके, इसको बताने में भी कोई हर्ज नहीं है कि माशी दहशतगर्दी अपनी जगह मौजूद है और मजबूत है। अच्छा अब मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है कि अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त ना कि ये एक्टिविटीज दोबारा तेज हुई हैं इनकी, TTP और ये सारे, और हम भी अलर्ट हैं और सारा ये काम हो रहा है, और क्योंकि खत्ते के हालात ऐसे हैं कि जिसमें अफोर्ड ही कोई मुल्क नहीं कर सकता कि उस वक्त उसकी मईशत या उसके खारजा ताल्लुकात या उसकी इंटरनल सिक्योरिटी या बॉर्डर्स के ऊपर जो सिक्योरिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज हो। मैं जो बात कह रहा था वो ये है कि शी जिनपिंग के हवाले से इंडियन मीडिया ये खबर दे रहे हैं,
अच्छा इंडियन मीडिया से मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा यार शी जिनपिंग खुद आ रहे हैं, यानी आपने ये खबर जो लिखी है देखे ना, अब आप इसमें देखें मिसाल के तौर पे, अच्छा इंडियन मीडिया की ही फिर खबर को ब्लूमबर्ग ने उठा लिया, ब्लूमबर्ग ने कहा कि शी में अटेंड ब्रिक्स समिट इन इंडिया विद टेंशंस। अच्छा जी, तो यानी मैंने पूछा लोगों से, मैंने कहा यार आप ये बताएं कि क्या वो खुद आ रहे हैं या वो कैसे, मतलब या ये लास्ट ईयर की तरह वर्चुअल होगी। उन्होंने कहा जी बात ये है कि वो खुद आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा खुद आ रहे हैं, तो ये मतलब इसका कैसे पता चला आपको खुद आ रहे हैं? उन्होंने कहा जी बात ये है कि वो बस ऐसे है वैसे है, बस हमें बताया गया तो हमने खबर चला दी है, उनके जराए ने बताया उनको फॉरेन ऑफिस या किसी ने, तो उन्होंने खबर चला दी। अच्छा चाइना जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग, चाइना को रीड करना जो है ना वो मुश्किल है। मैंने आपसे कहा था कि चाइना की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को समझने की कोशिश हो रही है कि चाइना क्या, चाइना ने जो है वो इंडिया के साथ एक बड़े लंबा स्ट्रेटेजिक प्ले उन्होंने खत्ते में शुरू किया है। चाइना बात कर रहा है कि वो उस एक, ये नहीं अभी कि अभी सीपैक बन जाएगा तो अभी बीआरआई बन जाएगी, वो लंबा लंबा, मैंने कहा ना स्पेस से लेके अफ्रीका के मिनरल से लेके साइबर सिक्योरिटी 5G 6G आ रहा है, तो 5G से आगे जा रहे हैं। तो बात ये है कि वो वहां पर, और ये डिजिटल सिल्क रोड हैं सारे, ये जितने भी रोड्स हैं ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ट्रेनें नहीं हैं, ये वो उस हिसाब से प्लान हो रहा है कि जो 2030 या 35 में जो रोड, ये तो नहीं कि अभी 2021 के हिसाब से वो प्लान कर रहे हैं कि ये बन जाएगा बीआरआई फॉरन, वो प्लान कर रहे हैं अगले 40 साल के बाद सड़कें किस तरह होंगी, अगले 40 साल के बाद बंदरगाहें कैसे सपोर्ट, आगे का प्लान हो रहा है। अच्छा तो अब इसमें बात ये है सारी कि इसमें इंडिया को उन्होंने किस तरह से इंगेज किया। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप कभी भी जो पाकिस्तानी मीडिया के वीडियो अपलोड करते हैं इंडियन अपलोडर, उनको कभी भी डिसलाइक मत कीजिए, क्योंकि ये डिसलाइक पाकिस्तानी को नहीं होता, ये डिसलाइक सिर्फ इंडियंस का होता है कि जो वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं क्योंकि मुझे 3 साल हो गए ये काम करते करते, अनुभव अपने अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि अगर आप जो कमेंट करते हैं इंडिया के व्यूअर्स पे, तो वो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे कमेंट्स पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर पढ़ते हैं, सहाफ़ी पढ़ते हैं, और जितने पाकिस्तानी पीपल्स होते हैं वो पढ़ते हैं। इसलिए जितना हो सके इंडिया के इंटरेस्ट पर कमेंट कीजिए, और साफ सुथरे कीजिए, कि आप गाली देते हो तो वो गाली स्पेम में चली जाती है, यूट्यूब ऑटोमेटिक उसको भागे स्पेम में पटक देता है, वो तुम्हारा रिफ्लेक्ट नहीं होता, पब्लिक नहीं होता कमेंट। तो साफ सुथरे और अच्छी बातों में, अच्छे शब्दों में अपनी बात करिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।